स्टार्टी आन बान और शान हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और एडवोकेट हैं नार सिंह यादव का स्वागत है आपका सम्मानित आज समाजवादी पार्टी का गांधी कार्यालय का पूनम यादव जी के आने से गाजियाबाद के अंदर जो खलबली मची है मैं किस नज़र से देख रही हूँ कि आप वरिष्ठ हैं पुराने कार्यकर्ता हैं समाज सेवी भी हैं और एडवोकेट भी हैं और वो सामाजिक एक फर्क पड़ता है लेकिन आज जो चुनाव है हम लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं पिछले 25 साल भारतीय जनता पार्टी से हमको मिलता है कभी हाउस टैक्स के नाम एक एक साल में दो दो बार लूटेंगे एकत्र किए अभी देखिए एक पचास गज के आप साल भर में चार बार बढ़ा के टैक्स लोगे एक 200 करोड़ रुपए की फैक्ट्री पे आप 10 साल का टैक्स माफ कर दोगे तो ये तो नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य ये है कि गरीब को न्याय मिले और जो अमीर है उसका कोई योगदान शहर में इसलिए हम लोग चुनाव में इतना आसान किला ढाना समझ रहे भारतीय जनता पार्टी के सारे यहाँ पदाधिकारी बैठे MLA किला कभी ना है वजह सिर्फ ये रही है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खत्म हो रहा है समाजवादी पार्टी में नेता ज्यादा हो गया लेकिन BJP का किला तो हमने 93 में जब पूरी दुनिया राम में थी गुलाम सिंह जी ने 1992 में खत्म कर दिया था हमने कल्याण सिंह उठाकर नीचे पटक दिया था तब BJP का कोई किला नहीं था। या तो सिर्फ हम लोग इकट्ठा हो कार्यकर्ता को ये जोड़े और कार्यकर्ता चुनाव है जो किला अब की बार में कुछ समाजवादी पार्टी में कुछ ज्यादा जोर से सिकंदर जी के आने से मैंने कहा कि सिकंदर जी के आने से ज्यादा जोर नहीं है। सिकंदर जी अपने आप में सामाजिक आदमी और सामाजिक आदमी जब जुड़ता है तो लोग ये सोचते हैं कि ये उम्मीदवार सामाजिक है और सामाजिक है तो समाज का काम करेगा इसलिए लोगों ने पूछा। ऐसे पहले हमारी याद में क्योंकि मैं आपको बहुत उम्र में छोटा हूँ पहले हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनसे हर समाज का हर धर्म का व्यक्ति प्रभावित है। नहीं बात है सामाजिक आदमी होता क्या है सामाजिक आदमी वही होता है जो सब समाज के सर समाज के साथ जुड़ा होता है और सर समाज के साथ चलता है वही तो सामाजिक आदमी है। अब मैं केवल हिंदू और मुसलमान की बात करूँ तो मैं सामाजिक नहीं हो सकता मैं अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो समाज ही कैसे होगा। समाज का माने ये है कि सबको मिला के सब धर्मों को मिला के सब जात को मिला के सब सबको मिला के ही तो समाज होता है जी और वो सामाजिक है इसलिए हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं गौरव यादव जी हैं जिनसे मेरी मुलाकात है लगभग 10 साल हो गए क्योंकि हमने जब मुलाकात हुई थी जब हमने भाई साहब को जो है जो हमारा वहाँ पे क्या बोलते हैं प्रियदर्शनी के पास में वो है वकील साहब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। देखिए हम तो आए थे आजमगढ़ से हो गए गाजियाबाद जी और इसलिए कह रहे हैं उत्साह के साथ कि आजमगढ़ मऊ बलिया सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर गाजीपुर मेरा समाज है वो गाजियाबाद में बसता है कारखाने यहाँ पे हैं यहाँ रोजगार देने की क्षमता है लेकिन नालियाँ सड़कें लाइट और माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन था कि हम समाजवादी कैंटीन बनाएंगे वो काम कर रहे हैं और जो कांसीराम का सपना था माननीय मुलायम जी का सपना था आदरणीय चौधरी चरण सिंह का जो सपनों का गाजियाबाद जो है बनाने के लिए पूनम यादव को काम करेंगे। एक हिंदू धर्म का प्रचारक है वो कहता है मर गए मुलायम कांसीराम और जिंदा हो गए जय श्री राम। ऐसा है कि पुनर्जन्म मरण ये पृथ्वी का सत्य है जो मरे हैं लेकिन विचारधाराएं नहीं मरी उनके भी महापुरुष लोग मरे हैं
उनकी अगर विचारधारा जिंदा है वो मानते हैं तो हमारे भी अम्बेडकर, लोहिया, पेरियार, कांसीराम, मुलायम सिंह और वर्तमान में अखिलेश यादव की युवा समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो युगों युगों तक जो है जीती रहेगी। और समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और क्या कहते हैं लोकदल के कार्यकर्ताओं विचारधाराओं पे काम करके जो है इस गाजियाबाद से जो है ऐतिहासिक निर्णय देते हुए, ये देखिए पुराने बहुत कार्यकर्ता हैं और इस महापौर 11 तारीख को जो है पूनम यादव को जिताने का काम करेंगे। हमसे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इनसे भी पूछ लीजिए कि किला को कैसे ढहा जाता है। जी आप कब से हैं समाजवादी पार्टी में? मैं सर 75 में 2000 में जेल गया था जी, माननीय मुलायम सिंह जी के साथ जी। साथियों, सबसे पहले मैं समाजवाद को जयंत करता हूँ, लोकतंत्र सेनानियों को आमंत्रित कर रहा हूँ। पूनम यादव के चुनाव में कलम और धर्म से लेकर हमें और यह भाजपा को ये दिखावें कि समाजवादी की पूनम यादव इतनी वोटों से जीतेगी कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद कर। साथियों, में एक लाल पाट क्षेत्र की मिसाल दूंगा आपको। एक लाल पाट ने उनमें एक एक फुट पानी भरा पड़ा। आज लाल पाट क्षेत्र में एक आवाज कर रहा हूँ मैं, लाल पाट क्षेत्र में पूनम यादव को 1,00,000 वोटों से जीत के आएगी। और गरीबों का कोई साथी नहीं है, पूनम यादव गरीबों की साथी है। आशा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर है, आज उनका जयकारा क्या है, दिन भर झूठ बोलो और सुबह शाम जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे आदरणीय सिकंदर यादव जी के पिताजी भी हैं, पूनम यादव जी के ससुर जी भी हैं और हमारे आदर्श हैं। तो बाबूजी कैसा लग रहा आपको? बढ़िया लग रहा है, आप लोगों का सहयोग रहेगा, साथ रहेगा तो पूनम यादव नेतृत्व विकास करेगा। विकास तो होना ही होना है, अगर अच्छे लोगों को चुना जाएगा तो विकास अपने आप ही होगा, क्योंकि ये वो दरवाजा है जहाँ से कभी कोई खाली नहीं गया। चाहे आज चुनाव लड़े या न लड़े वो परिणाम 13वां होगा, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि सभी सामाजिक सोशल वर्कर जितना भी जुड़ा हुआ है वो बाबूजी के साथ आए और कार्यकर्ताओं के लिए। जी 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 धन्यवाद, और बात करेंगे ना जरूर, लेकिन जिस दिन मेयर बन गई उतना शहर की काया पलटा। मेयर तो पब्लिक बनाती है और मेयर तो 99% जो आज गाजियाबाद के अंदर जो टक्कर है वो पहले लोग कहते थे हमें भाजपा से लड़ना, लेकिन आज जो लोग लड़ रहे हैं वो तो लड़ रहे हैं जी। जी जी आप खुश है नहीं है? खुश है जो ये भव्य है गाँव का माहौल बना हुआ है, मतलब पूनम यादव की क्या है? हमारा कैला भट्टे का तो पूरा क्षेत्र ऐसा है, चाहे वो कैला भट्टा हो चाहे एन एम आर हो, हमारे मुस्लिम समाज में तो आप लोग समाजवादी पार्टी के अलावा लाइव नहीं इसमें ऐसी बात नहीं है। शहर के लोगों का प्यार अटूट प्यार मिला, मैंने जो यहाँ देखा है, तो मैं तो पूरे शहर में ही रहता हूँ, सभी समाज के लोग सभी धर्म के लोग यहाँ आए हैं और बड़ा ही प्यार उन्होंने दिखाया है। इस प्यार का जवाब बहुत अच्छा मिलेगा, जनता का जवाब बहुत, क्योंकि सिकंदर यादव जो सामाजिक और समाज सेवी आदमी है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनको नहीं जानता या उनके परिवार को नहीं जानता, तो सही बात है। चंद्रा जी हमारे साथ हैं और चंद्रा जी भी कर रहे हैं, क्या हिसाब है हमारी गठबंधन की जो आपको झलक दिख रही है? अभी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हम चूज देखा है, आरएलडी के कार्यकर्ता हम चूज देखा है, इससे कहीं ना कहीं आपको दिखा है कि इस बार समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भीम आर्मी गठबंधन से जो हमारी आपके जो गांव है आपका जो क्षेत्र है, मैंने आपका वो स्टेटमेंट डाला हुआ है, कैसा बढ़िया तरीके से चल रहा है? विचार की बात है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, कानूनी जो दायरा बनाया गया है, जो कानून ने अधिकार दिए हैं, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसी को लेकर ही हम फॉलो करेंगे। हम औरों की तरह गैर गांवों से गाड़ियां बुलाना, दंग करवाना या उन पर मुकदमे लिखे जाएं, फिर उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है, आज भी कुछ
एक पार्टी के कार्यकर्ता 100-150 गाड़ी लेकर दूसरे गाँव में गए हैं, वहाँ पर भी उनमें आपस में भी लात घुसे बजे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कितने जो अनुशासनहीन हैं ये, और किस तरह का ये व्यवहार आने वाले टाइम में जनता के साथ करेंगे। जिस तरह का मुझे जनता का असीम प्यार मिल रहा है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अरुण चंद्रा, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। तो हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष है ये मुरादनगर से, और समाज में काम भी कर रहे हैं। तो दो मिनट की पार्टी चल रही है सब लोगों की। तो सबसे पहले तो मैं आनंदर जी स्वागत है आपका सम्मानित का। जय भीम साहब। तो ये बताइए कैसे बिताएंगे गठबंधन? गठबंधन को पूरी ताकत लगाएंगे और लोगों को जाके जागरूक करेंगे और हर तरह से समझाएंगे उनको कि गठबंधन में आप हमें वोट दें और अपनी कामयाबी आगे बढ़ाएं। तो इतना आसान समझ रहे हो कि? हाँ, आसान है। सवाल सारा समाज एकजुट है जी, सब जुड़े हुए हैं हमसे और हम अब की बार जीत के रहेंगे, ये वादा है हमारा। देखो चुनाव 11 तारीख को होगा और 11 तारीख से पहले पहले बहुत सारी उठक पटक होंगी। तो आप लोगों के लिए जो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कोई भी नज़र नहीं आया आज कार्यालय का उद्घाटन? वो अभी मैंने मालूम किया यहाँ पर आके, तो पता लगा कि अभी होकर यहाँ पर चले गए हैं कहीं दूसरी जगह। वो तो जल्दी में रहते हैं थोड़ा। 10 दिन में पूरा 100 वार्ड कैसे कवर करो? धीरे धीरे कवर कर ही लेंगे। अभी तो जैसे अभी मुरादनगर से आ रहे हैं घूम के जी, अभी तुम्हारा कोई रवि कदम भी है उनके वहाँ पर कोई अरेस्ट थी शायद, हमें आएंगे वापसी यहीं पर। तो अब ये बताइए गाजियाबाद से जो मंदिर होगी काशी रामनगर जहाँ पे आप मिलेगा वहाँ ज़्यादातर जो ऐसे समाज है, और ऐसे समाज ज़्यादातर जाओ है। हाँ, ऐसे समाज हमारे एज में जाता है, आदि में जाता था पहले, और आप हमारे भाई के साथ हमारी शुभकामना आपको सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। हरिंदर सागर जी आएंगे हमारे और सागर की तरफ बरसेंगे। जय भीम।